आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब, बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है? ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है।
यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युदारसीफ जो नहीं था। युदारसीफ, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते हैं? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर और मोहब्बत जानता है, इसे सहर और जादू की जरूरत भी क्या? कल से युजार सेव बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सूफेदार भी होगा। जनाबे पुतीफार की सुफरेदारी के लिए मैंने बहुत तगोदो की, सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ें चराने वाला इब्रानी, क्या आया सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाबे पुतीफार है। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदौली तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेती बाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर्फ से बात करो, होने पर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफरेदार और खान सामाए जनाब पुतीफार युजार सीफ हैं। अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे? यानी तुम नहीं जानते, तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। ए काश तुम जानते के मैंने जनाब पुतीफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगोदो की थी। शायद इसे नटल के खेतों में खेतीबाड़ी के लिए या मादनियात के कानों में भेज दिया जाए। खुदावन मुझे बख्शे, अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो मुझे माफ कर दें, मैं इसकी तलाफी की कोशिश करूंगा, आप परेशान मत हो। बानो जुलेखा आई हैं। अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? जाए अफसोस है बानो हजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माबत के लिए फैसले करे। मेरा ख्याल है इंतकाले खबर में मुबालगा आराई से काम लिया गया है। ये बच्चा अजनबी है और इसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कसर के मामलात में से मदाखलत की इजाजत मत दें। सिर्फ एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ है, बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे कसम में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबद आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हमसरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युजार सिर्फ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को, बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पुतीफार के गोश गुजार करें। बहुत खूब। अली जनाब,
आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युजार सीफ सिर्फ फहरिस्त की रूह से, जो हमने ही उसके हवाले की है, अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबत का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबत के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नजर भी यही सवाल था। युजार सीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज किया। हमने खुदाओं और माबत के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबत की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबत के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबत के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लाखर? क्यों? जनाब पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलामों और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कस्र के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कस्र के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनूदी की खातिर जहमत उठाते हैं, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी जहमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। युजासीव से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबत की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये युजासीव की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबत आमून के माबेन ये इख्तलाफ पुराना है। अरबाब माबत की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद बर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खौफू, सुन रहा हूं। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूं कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीव है आमून और माबत के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था,
इससे पहले किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोती फार्म में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे, और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई फरिश्तों की तरह है, बिल्कुल कोई हुसन का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफरा है, तुमने सजा है युजार सीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ युजार सीफ ने सीखा उसे हद कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है, गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूँ। शुक्र गुजार हूँ युजार सीफ। क्या नौजवान युजार सीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब, आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा खानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उकता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया जासिफ। माफी चाहता हूँ अली जनाब, फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया कि माजूली का सबब बन चुका हूँ, अब सुफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सुफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूँ? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं यूनिफर से कह दूंगा कि होया और सुफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बजाहिर युसासी मुझे हदिया किया था, दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो युसासी कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था, युसासी वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसान मंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ व इनायात का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून व मशकूर रहूंगा। Thank you.
मेरे साथ आओ। ये किताब खाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई है। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताब खान सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई है। आली जनाब पुतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक्तदारे मिस्र अबदी नहीं है, जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगैयुरात वसी खून रेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने गुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी, अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूजार सेफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूं, ये तगैयुर एक फरसादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वकूअ पज़ीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ हाँ मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूजार सीफ, तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अकलमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परिस्थिति नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायन आजम को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इजहार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना, मैं कायनाने मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूं?
ارباب اختیار معبود بہت گستاخ اور خود سر ہیں. وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. بہت خوب, اتنا کافی ہے, جاؤ آرام کرو. خداوند, اپنے تمام دوستوں کے لیے دعائے خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں. خداوند, پوتیفار, بانو زلیخا, نیمی صابو, حنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما. خداوند, میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ. پروردگار, میرے بابا کو صبر و استقامت عطا فرما. اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا, وہاں بہت خیال سے رہنا. یہ قمیض بھی پہن لو. یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا. تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی. جدائی کا غم سہنا ان کے لیے مشکل ہے, ان کی مدد فرما کے مجھے بھول جائیں. درود خداوند بر یوسف نبی. درود خداوند بر پے کے حق فرشتہ وحی. کیا کر رہے ہو یوسف؟ بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے. چاہتا ہوں پوتیفار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگاہ ہو جائے. نہیں یوسف, ابھی وہ وقت نہیں آیا. یوسف, تمہیں اور تمہارے بابا یعقوب نبی کو اب یہ درد جدائی مزید سہنا ہوگا. اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں. یہ بتاؤ یوسف, تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا؟ یا ہے؟ اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بد دعا کر دیں گے, اور بابا کی بد دعا ان کی زندگی تباہ کر دے گی. نہیں نہیں نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں. اگر گزار شیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر معدنیات کی کانوں میں بھیج دیا جاتا.
कल आली जनाब पुतिफार ने युजार शीफ की दरखास्त पर हुक्म सादर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेश कार्यालय मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बेकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतिफार के लिए गिज़ा के आमाद की तुम्हारे जिम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा युजार शीफ की जगह गिज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे जिम्मे है। जी, राजी हो? जनाब पेशकार का नहायत ममनून और मशकूर हूँ। युजार शीफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे। चलो। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत ना कर सका, नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। हरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहिल। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई। सलाम ब्रादर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने, तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पैगे हक, फरिश्ते मर्ग, इसराइल। मैं तो समझता था कि इसराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने, हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहिल, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है, सूरज गुरु होने से पहले। चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं।
अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िये ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते, तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं, आप लोग छोटे हैं, आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। नहीं। भी। तुम जाओ मिनियामिन। बाबा और बिन्यामिन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो, हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई लेकिन बाबा ने हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामिन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी, हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है, और यही जवाब उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसलत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस व खमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। बानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशहूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था, वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर बानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजार चीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि। बस करो, अपना काम अंजाम दो। यूजार सेफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन?
कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ, उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूंगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपास गुजार हूँ, ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमजोर और लाचार बच्चा हूँ, अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चिप को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं, मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार है मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा, और उसी रास्ते पर के जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे, खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बिन्यामिन चलो बेटा। आपके ख्याल में युजासिफ एक यक्ता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है, उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तायुन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं, जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कानून से आशना हो जाए। हरकत करो। युजारसीफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ, मेरा तख्त रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब वो आरास्ता रहा करो।
आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि युजार सीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें टिप्स और मापते आमून से आश्ना करूँ, राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आइनों कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजार सीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजार सीफ, आओ यहां बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों, तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर? दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्व है दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्व दुनियाए अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास ताम मशरूबात वगैरह कसीर मकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मूमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ कयाम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवां को नीचे रख दे, ये लोग थक गए होंगे। नई हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद